नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर अपराध जगत से। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें हैं मुंबई के बोरीवली की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक किन्नर आपको दिखाई दे रही है। किन्नर ये बड़ी ही शातिर किन्नर है। इस किन्नर का अपना अंदाज है लूटमार करने का। मुंबई की लोकल ट्रेन, मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में गन पॉइंट पर ये किन्नर महिलाओं से लूटपाट करती। एक खबर, इसका विस्तार से हम आगे आपको बताएंगे। वहीं दूसरी खबर जो आप दूसरा विजुअल जो आप देख रहे हैं, ये विजुअल है एक गर्भवती महिला, उसके द्वारा ड्रग्स की तस्करी किए जाने का। वो भी बड़ा मामला और छोटा मोटा नहीं, लाखों रुपए की ड्रग्स की तस्करी। तो आइए बात करते हैं पहले किन्नर वाले मामले की। तो मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली मुंबई लोकल में हम देखते हैं आए दिन कभी बेगर्स मांगने वाले चढ़ते हैं, कभी किन्नर लोग सफर करते हैं और लोगों से मांग कर वो अपना गुजारा करते हैं। लेकिन इन किन्नरों में कभी कभी अपराधी किन्नर की भेष में मौजूद रहते हैं। वैसा ही ये मामला यहाँ पे है। ये जो किन्नर वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये किन्नर लोकल ट्रेन में चढ़कर महिलाओं के डब्बे में महिलाओं को डराता है, धमकाता है, पैसों की मांग करता है। और अक्सर देखा जाता है जब कोई किन्नर मांगने आता है तो हम जो भी यात्री है जिसके पास जो कुछ होता है वो दे देता है। लेकिन इस किन्नर का अंदाज कुछ अलग है। ये किन्नर अपने हिसाब से मांग करता है, अगर उसको मांग की हुई रकम नहीं मिलती है तो फिर डराता है, धमकाता है और गन पॉइंट बंदूक की धमक दिखाता है। हालांकि इसके पास जो बंदूक पुलिस को बरामद हुई है, रेलवे पुलिस को, वो बंदूक कोई असली बंदूक नहीं है, लेकिन दिखाई देने में असली बंदूक की जैसे इसके लिए कोई भी डर जाता है। अभी हाल ही में एक महिला के जो मुंबई से वसई की तरफ सफर कर रही थी उसके साथ में इस किन्नर ने लूटमार करने की कोशिश की, उसका 4,000 रुपया लूट लिया इसी तरह गन पॉइंट का धमक दिखाकर। तब उसके बाद उस महिला की शिकायत के ऊपर रेलवे पुलिस ने इस किन्नर को गिरफ्तार किया। इसके बारे में रेलवे पुलिस के आला अधिकारी ने जो जानकारी दी वो वीडियो में आप आगे देखेंगे। वहीं फिर से बात करते दूसरा मामला जो बोरीवली का है। वहां पर पुलिस ने एक ऐसी महिला, प्रेग्नेंट महिला को, गर्भवती महिला को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 50 लाख रुपए से अधिक कीमत की हेरोइन बरामद की गई है। आप सोचिए कि अपराध ने कितनी जड़ जमा दी है कि एक गर्भवती महिला जिसके गर्भ में एक नवजात बच्चा पल रहा है, उसने उस बच्चे की फिक्र नहीं की और अपराध को अंजाम दिया। ये भी पुलिस को गुप्त सूचना मिली, उसके आधार पर पुलिस ने पूरी कार्यवाही करते हुए इस महिला को गिरफ्तार किया। और इसमें पुलिस को अंदाज है कि इसके साथ इसका गिरोह है, उस तक पुलिस जाने की कोशिश करेगी। देखिए इस पूरे मामले के बारे में बोरीवली पुलिस का क्या कुछ कहना है। एक कल तारीख 21 में हमारे पुलिस स्टेशन में एक मामला ऐसे सामने आया है कि एक महिला दादर से वसई तक ट्रेन से सफर कर रही थी। उसी दौरान जब अंधेरी रेलवे स्टेशन में एक किन्नर ने ट्रेन में प्रवेश किया, वही डब्बे, लेडीज़ डब्बे में, और जैसे ट्रेन अंधेरी के बाद आगे चली गई, अंधेरी टू बोरीवली के दरमियान वो किन्नर ने अंदर जो कंप्लेंट महिला लेडी बैठी थी उसके पास कुछ पैसे की डिमांड की। तो वो महिला ने कुछ पैसे दिए उसको, फिर भी उसका समाधान नहीं हुआ, उनको और ज़्यादा पैसे चाहिए थे किन्नर को। तो किन्नर ने पैसा नहीं दे रही कंप्लेंट, तो किन्नर ने उसके पास जो गन थी, प्लास्टिक की गन, वो निकाली, उसको धमकाया कंप्लेनेंट को और उससे ज़्यादा पैसे की डिमांड की, पैसा दे दो नहीं तो मैं गन से उड़ा दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो महिला डर गई और उन्होंने उसके पास जो पैसे थे कुल मिला के 4,000 रुपये किन्नर को दे दिए और फिर उसके बाद किन्नर बोरीवली स्टेशन में उतर के निकल गया। ऐसा मामला हमारे सामने आने के बाद हमारी टीम उस किन्नर आरोपी को
पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तो हमारे टीम ने उस किन्नर को भी पकड़ा है, आरोपी किन्नर को पकड़ा है, और कंप्लेनेंट जो है उन्होंने भी पुलिस स्टेशन में अभी रिपोर्ट किया है, और हम FIR रजिस्टर करने का और किन्नर के ऊपर कार्रवाई करने का प्रोसीजर हमारा काम चालू है। सर, ये सारी बात पब्लिक को रियली लगेगा। हाँ हाँ यस, ये पूरा जो सीन है ये पूरा अंधेरी से लेके बोरुली के दरम्यान पूरा ट्रेन के अंदर हो चुका है। किन्नर ये खार पश्चिम की झोपड़पट्टी में उतर रहता है, उसके ऊपर एक ऑलरेडी 2019 में एक अंधेरी रेलवे पुलिस स्टेशन में सेम इसी टाइप का एक गुना रजिस्टर्ड है, उस केस में वो जमानत पे बाहर चुका है। इन्होंने 4,000 रुपये वो महिला के पास से ले लिए है। वो जो पिस्टल है वो पुराना जो टॉयज गन बोल सकते हैं उसको, ये नकली है और वो सेम दिखने जैसा रियल गन लगता है, और वो कंप्लेंट को उसी रियल गन ऐसा है करके समझा, धमका के उसे कैश रिकवर किया है। ऐसा अगर आपको लगे कि कुछ कोई भी किन्नर या कोई भी क्राइम उनके साथ होने जा रहा है ऐसा कुछ लगा, तो तुरंत वो जो कंट्रोल का नंबर है 1512, ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और वैसे ही उनके ऊपर कॉल करने के बाद तुरंत आपने एक महिला को अटैक किया है जिसके पास से लगभग 51 लाख रुपये के हीरोइन बरामद किया है, क्या है मामला, डिटेल बताइए। हाँ, MLG पुलिस स्टेशन के हद्दी में सेंट फ्रांसिस स्कूल बोरोली वेस्ट, यहाँ एक महिला ड्रग के साथ आने वाली है, ये इंफॉर्मेशन हमारे डिटेक्शन ऑफिसर PSI सालवे और स्टाफ को मिले, तो वहाँ जाके हमने वो महिला के साथ पूछताछ किया, तो उसके पास एक बैग मिली, वो बैग में हीरोइन जो ब्राउन शुगर है वो मिला, तो उसको लेडीज़ कॉन्स्टेबल और स्टाफ के साथ हमने पुलिस स्टेशन इंक्वायरी के लिए लेके आने के बाद हमें समझा कि ये 345 ग्राम्स हीरोइन है, उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 50,75,000 है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, क्या इससे पहले भी इस तरह का वो कार्य कवर करती थी? महिला आरोपी का नाम मुस्कान दीपक कनौजिया है, उसका उम्र 23 ईयर्स है, और वो प्रमीरा नगर झोपड़पट्टी बोली पश्चिम में रहती है। उसका बैकग्राउंड तो अभी नहीं है, हम लोग जांच कर रहे हैं। उसके और भी साथीदार है, वो जहाँ से ब्राउन शुगर लेती है और बेचती है, उसका पूरा आगे का इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, और नज़दीक में ही हम पूरे टीम को जो उसके साथीदार उनको अरेस्ट करेंगे। महिला आखिर इस धंधे में क्यों आई, कोई मजबूरी थी या किसी ने इसको लाया? इसको तो इजी मनी, जो पैसा कमाने का विदाउट एनी मेहनत के बिना जो इजी मनी करना जो कमाना है, ये इनके इंटेंशन है, और इससे अपनी जो यंग जनरेशन है वो बर्बाद हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ऐसे लोग को अरेस्ट करके ये पूरा का उसको समूल नष्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसको लाने वाला कौन है इस लाइन में, कारण एक महिला है, हाउस वाइफ है, वो इस लाइन में कैसे आए? हाँ, वही हम अभी वो जांच कर रहे हैं कि इसको ये धंधे में लाने वाला कौन है, और इसका बॉस कौन है, और इनके कितने साथीदार हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।